उलमा और हुक्मरान अगर इस्लाह की कोशिश करें तो सब ठीक हो सकता है। 40 साल से मुल्क को तबाह करने की कोशिश की गई, लासानियत के नाम पर आपस में लड़ाने की कोशिशें हुई। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का पेशावर में उम्मत इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले उलमा की रहनुमाई के लिए पॉलिसी बनाई जाए तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। हुकूमत और उलमा के दरमियान एक राबता, और राबता यही के उलमा का जो पैगाम है वो हुक्मरान तबके तक पहुंचाया जाए और हुक्मरान तबके का इस्लाह और खैर का जो सोच है ताकि गलतफहमी आना हो वो उलमा तक पहुंचाया जाए। इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए गुज़िश्ता 4 अशरों से 80 की दहाई, फिर 90 की दहाई, फिर 2000 की और फिर 2010 से अब तक ये 40 साल इस मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोशिश की गई। यहाँ पर लिसानियत के नाम पर फसाद बपा करने की कोशिश की गई, कौमियतों को लड़ाने की कोशिश की गई। उलमा की रहनुमाई में अपनी पॉलिसियाँ और इकदामात वज़ा करें तो हमेशा उसके नताइज बेहतर होते हैं।